गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 8, जीवों में जनन कैसे होता है या जीव जनन कैसे करते हैं। और पिछली वीडियोज में हम पूरा अलैंगिक जनन पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे लैंगिक जनन। लैंगिक जनन पादपों में भी होता है और जीवों में भी होता है। तो पहले हम शुरू करेंगे पादपों में लैंगिक जनन किस प्रकार होता है। तो पहले जैसे मैंने बताया था वीडियो में कि लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, और दोनों जब दोनों की आवश्यकता होगी तो ये दोनों ऐसा क्या काम करेंगे कि इन दोनों की उसमें जरूरत है। तो नर जो होता है वो कुछ कोशिका पैदा करेगा, उस कोशिका का नाम होता है जनन कोशिका। मादा भी एक कोशिका पैदा करती है, उस कोशिका का नाम होता है मादा जनन कोशिका। नर जो पैदा करता है नर जनन कोशिका, उसी को बोलते हैं नर युग्मक, और मादा की कोशिका को बोलते हैं मादा युग्मक। दोनों का मिलन होगा जिसको बोला जाता है निषेचन। निषेचन के बाद बनता है युग्मनज। युग्मनज में वृद्धि होती है और उससे बनता है भ्रूण। मतलब युग्मनज एक कोशिका होती है, वो भोजन प्राप्त करके पहले बहुत सारी कोशिकाएं बनाती है, फिर अंगों का उसके अंदर विकास होता है और भ्रूण का निर्माण हो जाता है। चाहे लैंगिक जनन किसी भी जीव में है, सभी में यही काम होता है। नर और मादा दोनों युग्मक बनाते हैं, फिर युग्मकों का निषेचन होता है, युग्मनज बनता है और उसमें वृद्धि होती है। ठीक है, अब यही क्रिया हमने देखनी है पादपों में। क्यों? क्योंकि पादपों में भी लैंगिक जनन होता है। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि पादप में दो प्रकार के अंग होते हैं, एक होते हैं कायिक अंग, एक होता है जनन अंग। कायिक अंगों में जड़, तना और पत्तियां होती हैं, और जनन अंग में आते हैं पुष्प। पुष्प पादप का जनन अंग होता है। पुष्प अगर जनन अंग है तो पुष्प के द्वारा पौधा लैंगिक जनन करेगा। अगर ये पुष्प के द्वारा लैंगिक जनन करता है तो इसका मतलब है उसमें नर और मादा दोनों होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, हमने पढ़ना है पुष्प। ठीक है, पुष्प जिसको फ्लावर बोलते हैं या फूल सिंपल भाषा में। अब देखो, हमने पादपों के पांच समूह पढ़े 9th क्लास में, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टैडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। उनमें जो लास्ट के दो होते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, वो होते हैं सीड प्लांट्स, उनमें बीज बनते हैं। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उसमें फ्लावर नहीं होता, जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें फ्लावर होता है। इसलिए एंजियोस्पर्म्स को फ्लावरिंग प्लांट बोला जाता है या पुष्पी पौधे कहा जाता है। तो इसलिए मैंने लिखा है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, या सीधा कह दे एंजियोस्पर्म्स में लैंगिक जनन किस प्रकार होगा वो हम पढ़ते हैं। अब ये तो पढ़ लिया, ये तो पता चल गया कि पौधा लैंगिक जनन पुष्प से करता है। तो दो तरह के पुष्प होते हैं, एक होता है भाई एक लिंगी पुष्प और एक होता है द्विलिंगी पुष्प। क्योंकि हम जानते हैं कि लैंगिक जनन में दो लिंगों की आवश्यकता होती है, एक मादा और एक होता है नर। तो ऐसा पुष्प जिसमें नर और मादा दोनों एक ही फूल के अंदर होते हैं, जैसे अगर मैं कहूं जिस प्रकार ये मैंने एक पुष्प बनाया है, ये पुष्प नहीं है, ये पुष्प की अनुदैर्ध्य काट है, मतलब पुष्प को बीच में से काट रखा है। तो इस पुष्प के अंदर नर भाग भी है और मादा भाग भी है। जिस पुष्प में नर भाग और मादा भाग दोनों होते हैं उस पुष्प को हम बोलते हैं द्विलिंगी पुष्प। इसके लगभग सारे के सारे आसपास जो हम पौधे देखते हैं वो द्विलिंगी पुष्प में आते हैं। जैसे चाइना रोज आप लोगों ने देखा होगा, चाइना रोज मतलब एक फूल होता है रेड से कलर का, आम तौर पर हमें मिल जाता है, हम अपने घरों पे भी लगाते हैं उसको, जिसकी एक आगे लंबी सी नली इसकी होती है इस प्रकार से, इस प्रकार इसमें अंदर बहुत सारे धागे से निकले रहते हैं, इसको बोलते हैं चाइना रोज। ठीक है, एक लिंगी पुष्प जैसे
पपाया देखा होगा, पपीता या वाटरमेलन जो होता है वो एक लिंगी पुष्प होता है। आपने सुना भी होगा कि हमें पपीते के दो पेड़ लगाने पड़ेंगे तब वो फ्रूट पैदा करते हैं, मतलब तब उनमें फ्रूट लगते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब एक लगाते हैं तो एक में सिर्फ एक ही लिंग होगा, मतलब या तो नर होगा या फिर मादा होगी, इसलिए उसके पास दूसरा लगाना पड़ेगा। नर है तो मादा लगानी पड़ेगी और मादा है तो नर लगाना पड़ेगा, ठीक है, तभी उनके अंदर जनन होता है। तो दो प्रकार के पुष्प हो गए, एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प, मतलब ये कह सकते हो यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये बाइसेक्सुअल है और ये यूनिसेक्सुअल है, ठीक है, इतना पता चल गया। अब हम पढ़ते हैं एक पुष्प के बारे में, डिटेल में पढ़ते हैं कि पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं। एक पुष्प के अंदर मुख्य रूप से चार भाग होते हैं। चार भाग कौन कौन से? सबसे पहला भाग जो होता है उसको बोलते हैं बाह्य दल। उसके बाद जो भाग होता है उसको बोलते हैं पंखुड़ी। उसके बाद जो भाग होता है उसको बोलते हैं पुंकेसर। उसके बाद जो होता है उसको बोलते हैं स्त्री केसर। तो ये चार मुख्य भाग हैं एक फूल के अंदर। जैसे ये मैंने दिखाया, आपने देखा होगा किसी पुष्प को देखो, चाइना रोज को ही देख लो या गुलाब के फूल को देखो, उसके नीचे जहां वो गुलाबी से रंग का होता है उसके नीचे ये हरे रंग की ये दो पत्तियां सी दिखाई देती हैं, इनको बोलते हैं बाह्य दल। ये ग्रीन कलर की होती है। हम सब का बारी बारी से अध्ययन करेंगे कि इनके कार्य क्या है। देखो बाह्य दल जो सबसे नीचे होते हैं हरे रंग की पत्तियां सी होती हैं, वो क्या करती हैं? वो हरे रंग की हैं, इसका मतलब है वो प्रकाश संश्लेषण करती हैं, पहला काम। दूसरा काम, जब ये पुष्प कली के रूप में होता है, ये तो बाद में खिला है, पहले तो ये इस प्रकार कली के रूप में होता है, ऐसे बंद होगा, और जब ये बंद होता है तो ये बाह्य दल ही इसके ऊपर ऐसे इसको ढके रखता है और अंदर वाले भागों की सुरक्षा करता है। ये काम हो गया किसका? बाह्य दल का। क्या काम? एक तो प्रकाश संश्लेषण करना, और दूसरा जब ये कली के रूप में होता है तो इसके आंतरिक भागों की सुरक्षा करना। आगे चलते हैं, इसका दूसरा भाग है पंखुड़ी। पंखुड़ियां जो होती हैं वो अलग अलग रंगों की होती है, लाल रंग की, गुलाबी रंग की, येलो कलर की, किसी भी कलर की अलग अलग कलर की पंखुड़ियां होती हैं, और उनमें सुगंध भी होती है। तो ये क्यों होती हैं अलग अलग रंगों की? क्यों? क्योंकि इनको इंसेक्ट को आकर्षित करना पड़ता है, कीटों को ये अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। कीटों की जरूरत होती है पुष्प को किस लिए? परागण करने के लिए, मतलब उसको नर युग्मक को मादा युग्मक के पास पहुंचाने के लिए कीटों की जरूरत पड़ती है, उसको परागण कहते हैं। तो परागण के लिए कीटों की जरूरत पड़ती है, और कीट वैसे नहीं आएगा, कीटों को आकर्षित किया जाता है, और उसके लिए पुष्प की पंखुड़ियां अलग अलग रंग की होती हैं या उसमें अलग अलग प्रकार की स्मेल होती है, सुगंधित फूल होते हैं जिससे कीट उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। ये कार्य किसका हो गया? पंखुड़ी का। उससे आगे आता है पुंकेसर। पुंकेसर होता है नर भाग, पुष्प का नर भाग क्या कहलाता है? पुंकेसर। एक पुंकेसर, देखो ये पुंकेसर है, एक पुंकेसर को मैं निकाल के देखूं तो पुंकेसर ये पूरा का पूरा पुंकेसर है। इस पुंकेसर के दो भाग है, ऊपर वाला भाग है जो राउंडेड, इसको बोलते हैं परागकोष, और ये जो डंडी से नीचे लगी है इसको बोलते हैं तंतु। परागकोष के अंदर परागकण बनते हैं। परागकण क्या होते हैं? परागकण के अंदर ही नर युग्मक होता है। ये तंतु क्या करता है? ये तंतु इसको हवा में उठा के रखता है ताकि ये जो परागकण है इसमें से निकल के इस वर्तिकाग्र पे गिर जाए या हवा में फैल जाए। तो इनके अलग अलग कार्य हो गए। तंतु का कार्य है परागकोष को ऊपर उठाए रखना, और परागकोष का कार्य हो गया परागकणों का निर्माण करना, ठीक है, ये हो गया इसका नर भाग। अब बात आती है इसके मादा भाग की। इसके मादा भाग का नाम है स्त्री केसर। क्या नाम है? स्त्री केसर। मैंने ये पूरा का पूरा स्त्री केसर इसमें से निकाल लिया, यहाँ लिख दिया, इस ये पूरा स्त्री केसर है बीच में, ये निकाल दिया। स्त्री केसर के तीन भाग हैं। सबसे ऊपर वाला जो भाग है ऐसे प्लेट शेप का है और चिपचिपा भाग है, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, और ये जो है बीच में पाइप जैसा इसका नाम है वर्तिका, और ये जो भी नीचे है ये गोल भाग, इसको बोलते हैं अंडाशय।
तीनों के अलग अलग कार्य है। क्या कार्य है? वर्ती का चिपचिपा सा भाग होता है, किस लिए? ताकि यह पराग कणों को अपने अंदर चिपका सके या उनको रिसीव कर सके। यहाँ से पराग कण निकलेंगे और यहाँ से इसके ऊपर गिरेंगे, तो वो जब गिरेंगे तो इस पे आसानी से चिपक जाए, इसलिए वर्तिका चिपचिपा सा भाग होता है। वर्तिका जो होती है एक ट्यूब है नीचे, ये क्या करती है, ये पैसेज देती है, रास्ता देती है किसके लिए, पराग कणों को यहाँ पहुंचने के लिए, किसके पास, मादा युग्मक के पास। ये पूरा भाग क्या है, अंडाशय। अंडाशय के अंदर एक गोल संरचना होती है, ये जो मैंने बनाई है इसका नाम है बीजांड। बीजांड के अंदर मादा युग्मक होता है। देखो वैसे डिटेल में अगर हम पढ़े, हालांकि ये 10th क्लास में इतना डिटेल में नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि बीजांड के अंदर 7 कोशिकाएं होती हैं, 3 ऊपर कोशिकाएं होती हैं जिनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल इंग्लिश में बोलते हैं एंटीपोडल सेल, और 3 नीचे होती हैं और 1 बीच में होती है। तो ये जो नीचे 3 सेल होती हैं, इनमें से जो ये एक साइड में एक ये साइड में, इनको बोलते हैं सिनर्जिड, सिनर्जिड सेल, और जो ये बीच में बच गई ये है एग सेल, मतलब ये है नर युग्मक जिसका नाम है अंडाणु। मतलब नर युग्मक इसी के साथ आके जुड़ेगा तब निषेचन होता है। तो यह पूरा भाग क्या हो गया, यह पूरा भाग बन गया, यह है स्त्री केसर मतलब मादा भाग। तो ये अलग अलग भाग थे किसके, एक पुष्प के। अब ये हम जान चुके हैं कि जो लैंगिक जनन होता है उसमें नर युग्मक को मादा युग्मक के पास जाना पड़ेगा। अब इस पुष्प में हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ ये नर भाग है और इसके पराग कोश में नर युग्मक बनेगा, और ये मादा भाग है और इस मादा भाग के सबसे नीचे वाले भाग में मादा युग्मक बनेगा। तो अब करना क्या है, अब नर युग्मक को मादा युग्मक के पास जाना पड़ेगा, जरूरी है। अगर वो नहीं जाएगा तो निषेचन नहीं होगा। तो उसको वहाँ पहुँचाने के लिए अलग अलग मेथड अपनाए जाते हैं। मतलब क्या, अब नर युग्मक को, मतलब ये कह सकते हो कि पराग कणों को पहुँचना है किस पे, वर्तिकाग्र पे, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं किसका, जरूरी है भाई, अगर निषेचन करना है नर युग्मक को और मादा युग्मक को, तो नर युग्मक तो मादा युग्मक के पास पहुँचता ही है, तो वही देखते हैं कि वो कैसे पहुंचेगा। अब ये है इसका नर भाग और ये है इसका पराग कोश। मैं पराग कोश को यहां बना लेता हूं थोड़ी देर के लिए। देखो ये मैंने ये बना दिया इसके पास, ये एक ही पुष्प की बात कर रहे हैं हम, एक ही पुष्प में है। तो इसमें जो पराग कण बनते हैं, तो जब पराग कण पूरी तरह से मैच्योर हो जाएंगे, मतलब जो इनकी मैच्योरिटी स्टेज आती है वो आ जाएगी, तो ये पराग कोश फट जाएगा और सारे के सारे पराग कण हवा में बिखर जाएंगे। अब ये यहाँ से यहाँ गिरेगा इसके ऊपर, इस क्रिया को बोलते हैं परागण, 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 परागण क्या हुआ, पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र पे गिरना, उसको बोलते हैं पराग, परागण, पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र पर गिरना, वर्तिकाग्र पर गिरना क्या कहलाएगा, परागण, परागण कहलाता है। ये हो गया भाई, ठीक है। अब ये एक पुष्प है, जैसे हमने पढ़ा कि ये एक पुष्प है, इस पुष्प में ये इसका मादा भाग है और ये इसका नर भाग है, तो इसके पराग कण इसके ऊपर गिर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि ये एक पौधा है, ये कोई पौधा है या पेड़ है, इसका यहाँ पे एक पुष्प है और यहाँ भी एक पुष्प है, इसका पराग कण निकल के इसके वर्तिकाग्र पे जा सकता है, ये भी तो हो सकता है। या ये दो, ये अलग अलग दो पादप हैं, इसका एक पुष्प है, एक दूसरा ये पादप है इसका पुष्प है, तो इसके पराग कण इसके ऊपर भी गिर सकते हैं, ठीक है। तो इनको देख के
हम कह सकते हैं कि परागण दो प्रकार का होता है। एक होता है स्व परागण। क्या? स्व परागण। स्व का मतलब अपने आप, मतलब अगर एक ही पुष्प में उसी के परागकण निकलकर उसी के वर्तिकाग्र पे गिर जाए उसको बोलते हैं स्व परागण। मतलब क्या? जेनेटिकली सिमिलर प्लांट होना चाहिए। मतलब अगर परागकण किसी ऐसे पुष्प पे गिरते हैं जिसका डीएनए उसी के समान है, जैसे अगर यहाँ से यहाँ जाएंगे तब भी डीएनए समान है, और इसमें देखो पौधा एक ही है, इससे इसके ऊपर गिरेंगे दूसरे पुष्प पे तब भी एक ही पौधे के अंदर है, तो पौधे का डीएनए सभी समान ही होंगे, तो इसको भी स्व परागण ही बोला जाएगा। तो स्व परागण की परिभाषा क्या हुई? परागकणों का, एक पुष्प के परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे गिरना, या एक पौधे के एक फूल से परागकणों का उसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पे गिरना स्व परागण कहलाता है। बात समझ में आई? ये तो हो गया स्व परागण। अब है दूसरा पर परागण। पर परागण, ठीक है। अब पर परागण का मतलब क्या है? जब अब पादप ही अलग अलग हैं, ये एक पादप है, ये दूसरा पादप है, किसी एक पादप के परागकणों का किसी दूसरे पादप के वर्तिकाग्र पे गिरना क्या कहलाएगा? पर परागण। ये है पर परागण, और ये दोनों क्या है? ये है भाई स्व परागण। बात समझ में आ गई? उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अब ये काम हो गया भाई स्व परागण में और पर परागण में, लेकिन अब ये गिरेंगे कैसे, गिरने का तरीके क्या है? तो इनके लिए कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत पड़ती है। मतलब ये अपने आप नहीं जा सकते, मतलब ऐसे नहीं है कि इनके पास भाई पंख है और ये उड़ के चले गए, लेकिन ऐसा हो सकता है कि पंखों जैसी कोई संरचना हो, लेकिन ये ऐसे फड़फड़ा नहीं सकते, ये हवा के साथ उड़ के जा सकते हैं। तो परागण करने के लिए कौन कौन सी विधि अपनाते हैं प्लांट, वो हम देखते हैं। तो नंबर एक क्या है? वायु द्वारा हो सकता है भाई परागण। किसके द्वारा हो सकता है? वायु द्वारा। दूसरा जल द्वारा हो सकता है। तीसरा जंतुओं द्वारा हो सकता है। और चौथा कीटों द्वारा हो सकता है। कीटों द्वारा, कीट जो होते हैं जैसे मधुमक्खियां फूलों के ऊपर बिनबिनाती रहती है, बटरफ्लाई उसके ऊपर घूमती रहती है, उनके द्वारा, स्नेल्स के द्वारा भी होता है भाई। बहुत तरह के ऐसी मीडियम है जिनके द्वारा परागण हो सकता है, ठीक है। तो वायु द्वारा जो परागण होता है उसको बोलते हैं एनिमोफिली, हाइड्रोफिली, ठीक है, एंटेमोफिली, कीटो द्वारा। अलग अलग प्रकार के ये इंग्लिश में है, वैसे बस आप लोगों के लिए टेंथ में इतना ही है कि परागकण वर्तिकाग्र पे अपने आप नहीं गिरते, उनके लिए किसी न किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो वायु द्वारा जा सकते हैं, जल द्वारा, जंतुओं द्वारा, कीटों द्वारा। सबसे ज्यादा होता है कीटों द्वारा, ठीक है। कीट कौन से? अभी मैंने बताया कि पंखुड़ियों को रंग बिरंगा इसलिए किया जाता है ताकि कीट उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। जब कीट एक पुष्प पे जाएंगे तो उसके परागकण, परागकण क्या होते हैं, हमें कई बार पुष्प के ऊपर एक पाउडर सा दिखाई देता है, इस परागकोष के ऊपर पाउडर सा, येलो येलो सा पाउडर दिखाई देगा, वही परागकण होते हैं। तो वे परागकण उस इंसेक्ट के पैरों से चिपक जाएंगे। अब वही इंसेक्ट जब दूसरे पुष्प पे जाएगा तो वो परागकण उसके ऊपर गिर जाएंगे और परागण हो जाएगा, ठीक है भाई। ये तो हो गया परागण। तरीका कोई भी हो सकता है, जल द्वारा जा सकते हैं, जैसे नारियल का पेड़ जो होता है उसमें ज्यादातर जल द्वारा होता है। बहुत सारे जो पानी में रहने वाले पौधे हैं, जो जहां रहेगा उनमें उसी प्रकार का परागण होगा, ठीक है। वायु द्वारा भी होता है, तो अलग अलग तरीकों द्वारा परागण हो जाएगा। परागण में परागकण वर्तिकाग्र पे पहुंच जाते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कि परागकण वर्तिकाग्र पे पहुंच गए तो उसके बाद क्या होता है। अब देखो, ये हमने स्टडी किया कि ये होता है भाई मादा भाग, पढ़ा ना भी, ये इस प्रकार से ये पूरा का पूरा एक पुष्प का मादा भाग है। अब ये आके
पराग कण इसके ऊपर गिर जाते हैं। यहां ये अंडाशय है, ये वर्तिका, ये वर्तिकाग्र, ठीक है, इसके अंदर ये बीजांड है, जिस क्या बोलते हैं इसको, बीजांड, ठीक है। इसकी शेप अलग अलग तरीके की होती है, मैंने इसी डाई बना दिया बीजांड, वैसे गोल बना दिया, इसके अलग अलग तरीके, ये नीचे ऐसे जुड़ा होता है, ये समझ लो इसके साथ, तो ये क्या है, ये बीजांड है। इसमें 7 कोशिकाएं हैं, 3 कोशिकाएं ऊपर है, 3 कोशिकाएं नीचे है, और 2 एक कोशिका, ये पूरी की पूरी एक कोशिका है, जिसमें ये 2 केंद्रक होते हैं। इन केंद्रकों को पोलर न्यूक्लियाई बोला जाता है, पोलर न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस मतलब एक केंद्रक के लिए न्यूक्लियस बोला जाता है, और एक से ज्यादा के लिए न्यूक्लियाई बोला जाता है, तो इनको पोलर न्यूक्लियाई बोला जाता है। ये मैं क्यों बना रहा हूं, क्योंकि पुष्पी पौधों में एक विशेष कार्य होता है जिसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन। वो क्यों होगा, वो यहां से समझ में आएगा। तो इसमें ये 3 कोशिकाएं नीचे हैं, जिनमें से मैंने बताया था अभी, ये जो बीच वाली है ये होती है एग सेल, मतलब मादा युग्मक। अब जब ये पराग कण इस पे गिर जाएगा, तो पराग कण एक लंबी ट्यूब का निर्माण करेगा, ये ट्यूब इसके उत्तकों को चीरती हुई, मतलब इसके उत्तकों से रास्ता बनाती हुई आगे बढ़ेगी इस प्रकार से, और यहाँ इसके पास पहुंचेगी यहाँ पे, ठीक है। ये जो पराग कण का अंदर केंद्रक होता है, ये केंद्रक डिवाइड कर लेगा, मतलब इसके अंदर विभाजन हो जाएगा, और इसके 2 केंद्रक बन जाएंगे। जब ये 2 केंद्रक बन जाएंगे, इनको बोला जाएगा नर युग्मक। तो नर युग्मक कितने हो गए भाई, नर युग्मक हो गए 2, ठीक है। अब ये नर युग्मक इस ट्यूब में से होते हुए आएंगे किसके पास, मादा युग्मक के पास। जब ये ट्यूब इसमें एंटर करेगी बीजांड में, तो हो सकता है इसकी वाल को झटका लग जाए, मतलब बीजांड फट जाए, तो उसके झटकों को बर्दाश्त करने के लिए ये जो कोशिकाएं होती हैं साथ में, ये मदद करती हैं, इसको बोलते हैं सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड कोशिकाएं, ठीक है, ये मदद करेंगी। अब जब ये दोनों नर युग्मक आ जाएंगे इसमें से, तो एक नर युग्मक तो इसके साथ जुड़ जाएगा, मतलब मादा युग्मक के साथ, ठीक, और दूसरा जो युग्मक कहाँ जाएगा, वो इनके साथ जुड़ जाएगा, जो 2 केंद्रक थे ना यहाँ पे, एक और आ जाएगा, तो 3 केंद्रक आ जाएंगे। एक कहाँ से आया, नर युग्मक का, 2 आए थे ना, एक तो जुड़ा मादा युग्मक के साथ, और दूसरा जुड़ा इन 2 केंद्रक के साथ बीच वाले कोशिका में, तो 2 जगह निषेचन हुआ, एक तो मादा युग्मक के साथ, और एक ये जो पोलर न्यूक्लियाई था, पोलर न्यूक्लियाई, ये 2 न्यूक्लियस जो इनको पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, तो इनके साथ आगे जुड़ता है, तो 2 जगह निषेचन हो गया ना, इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन। तो मादा युग्मक और नर युग्मक का मिलन हो जाएगा, और इस क्रिया को बोलते हैं निषेचन। तो ये हो गया भाई निषेचन। निषेचन के बाद जो देखो, ये मान लो मादा युग्मक था और नर युग्मक आया, एक न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस पहले था, इसका इसके अंदर आया, दोनों जुड़ जाएंगे, तो एक कोशिका बनेगी वैसे तो, लेकिन इसमें अब केंद्रक दोनों का डीएनए चला गया, समझ लो बस। पहले ये था, इसमें आधे गुणसूत्र थे, आधे और आगे, तो पूरे गुणसूत्र हो गए। अब ये जो बन जाएगा, इसको हम बोलेंगे युग्मनज, क्या कहेंगे इसको, युग्मनज बन जाएगा। और यहाँ पे जो ये है 3 केंद्रक है, ये बन जाता है एंडोस्पर्म। फर्टिलाइजेशन के बाद बताया हूं मैं, निषेचन होने के बाद क्या होता है, निषेचन जैसे ही हो जाएगा, तो ये 3 कोशिकाएं ये खत्म हो जाएंगी, ये जो सिनर्जिड कोशिकाएं हैं ये भी खत्म हो जाएंगी, ठीक है। ये बाद के कार्य है, निषेचन के बाद के। तो निषेचन किस प्रकार हुआ ये मैंने समझा दिया। तो आज इस वीडियो में हम निषेचन तक ही पढ़ते हैं, निषेचन के बाद किस से क्या बनेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हमने स्टडी कर लिया क्या पुष्पी पौधे में जनन किस प्रकार होता है। पुष्पी पौधे में जनन अंग है पुष्प। पुष्प के अलग अलग भाग हम पढ़ चुके हैं, बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर, पुंकेसर के भाग, स्त्री केसर के भाग। अब परागण पढ़ चुके हैं, परागण कैसे होता है, स्व परागण, परपरागण, और निषेचन
पढ़ चुके हैं। अब निषेचन के बाद क्या होगा ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।